हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अदरक की फ्रैपचिनो। उसके लिए एक गमले में मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी, 2 छोटे चम्मच चाय की पत्ती, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ यानी ग्रेटेड, और शुगर 2 बड़ा चम्मच या जितना आपको चीनी पसंद है चाय में। और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स कुछ इस तरीके से। और इसे पकने देंगे यानी कुक होने देंगे कुछ देर के लिए, और फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए यानी आपका चाय बनके बिल्कुल ही तैयार हो जाए, तब आप एक मिक्सर जार ले और उसमें डालें बहुत सारे आइस क्यूब्स, और फिर उसके बाद आप चाय डालें जो कि आपने अभी अभी बनाया है, और फिर उसे गर्मा गर्म उसी ग्राइंडर में डाल दें और आइस की मदद से वो कोल्ड हो जाएगा। और इसे हम कर लेंगे बंद और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यानी ब्लेंड कर लेंगे, और फिर उसे हम सर्विंग ग्लास में डालेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे, जब हम इसे ग्राइंड किए थे तो इसका फेना तैयार हुआ था, तो वही फेना हम इसके ऊपर डालेंगे यानी चाय की फ्रॉथ। कुछ इस तरीके से। ये जितना अजीब लग रहा है सुनने में, ये उतना ही टेस्टी है पीने में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप हमेशा चाय गर्म ही पीते हैं, बट अभी ठंडा भी तो ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम डाल रही हूँ, और कॉफ़ी के साथ आपने व्हिप क्रीम बहुत ही बार इस्तेमाल किया होगा। कभी चाय के साथ इस्तेमाल किया है? नहीं किया तो मेरे साथ कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर यानी कॉफ़ी पाउडर कुछ भी छिड़क दीजिए। मैं यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ, और फिर उसके बाद इसमें एक स्ट्रॉ डालें और ये पीने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। अगर आपको मेरा ये अदरक की फ्रैपचिनो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स पे। मेरे चैनल पे बहुत अलग अलग तरीके की रेसिपी है, मैं हर क्यूजिन की रेसिपी बनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब तो करेंगे ना आप लोग, बिकॉज़ आपको इतनी अच्छी रेसिपी मैंने दिखाया है। ओके गाइज़, बाय।